In stratosphere, which of the following elements act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में इनमें से कौन सा एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और ओजोन को मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है या फिर उसका डिग्रेशन कर देता है? कार्बन, क्लोरीन, आयरन या फिर ऑक्सीजन? तो देखिए, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर यूवी रेस पड़ती हैं तो इससे एक्टिव क्लोरीन रिलीज होती है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट? इनमें से कौन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? तो इसका राइट आंसर है डी, ओजोन। ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा पैन, PAN, पैन, एल्डिहाइड एंड स्मोक, ये सभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीके इज, नीके क्या है? ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, द रेंज ऑफ टेम्परेचर डैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लीव, या फिर द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव्स। तो इसका राइट आंसर है डी, द फंक्शनल प्ले रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव्स। नेटेलिटी रेफर्स टू, नेटेलिटी से आप क्या समझते हैं? डेथ रेट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग द हैबिटेट या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग अ हैबिटेट। तो इसका मीनिंग होता है बर्थ रेट। और यदि आपसे पूछा जाए मोर्टेलिटी, MORTALITY, तो इसका मीनिंग होता है डेथ रेट। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा? तो हमें यहाँ पे कुछ डाटा दिया और हमसे पूछा है कि इनसे कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड बन सकता है। यहाँ पे दिया है सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर का वेट सबसे कम है, यानी कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल? इसका सही आंसर है सी, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? इनमें से किसका यूज एक वेक्टर के रूप में किया जाता है DNA फ्रेगमेंट में ह्यूमन इन लिम्फोसाइट को इंट्रोड्यूस करने के लिए? रेट्रोवायरस, TI प्लास्मेट, लैम्बडा फेज या फिर PBR-322? इसका सही आंसर है ए, रेट्रोवायरस। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, रिसर्च कम्युनिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कम्युनिटी GEAC? इसका सही आंसर होगा डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कम्युनिटी GEAC। अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस was patented by a foreign company, though such varieties have been present in India for a long time. This is related to CO-667, Sarbati Sonara, Larma Rojo या फिर Basmati? तो देखिए, इसका right answer है D, Basmati, क्योंकि 1997 में एक Texas company ने इसका patent लिया था,
बट एक्चुअली में बासमती राइस को इंडियन फार्मर्स द्वारा उगाया जाता था, जिसके कारण इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में डिप्लोमेटिक क्राइसिस डेवलप हो गया था। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच सही है? तो पहला है राइबोसाइम न्यूक्लिक एसिड, तो इसका पहला मैच ही सही है, बाकी बी सी एंड डी गलत है। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, यानी कि बायो रिसोर्सेज का यूज़ करना मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना उस कंट्री के ऑथराइजेशन या फिर वहाँ के लोगों की अनुमति के बिना, इसे क्या कहते हैं? बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायो पायरेसी, बायोडिग्रेशन या फिर बायो एक्सपोलिएशन, तो इसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर रिएक्शन के सही स्टेप क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग एंड लास्ट में एक्सटेंशन। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या कहाँ से बनते हैं? एपिकल मेरिस्टम, वैस्कुलर कैम्बियम, फेलोजन या फिर एक्सिलरी मेरिस्टम, तो इसका राइट आंसर है बी, वैस्कुलर कैम्बियम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर में रिपीट होता है। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं हेलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, कार्निवोरस प्लांट्स या फिर सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, तो इसका राइट आंसर है ए, हेलोफाइट्स। तो इन्हें मैनग्रोव प्लांट्स भी कहते हैं एंड ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति करने के लिए इनकी जड़ें मिट्टी से बाहर आ जाती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और ये हवा से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड है स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट या फिर राइजोम, तो इसका राइट आंसर है बी, एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। और यदि आप इस साल नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके पास समय कम है और आपको बायोलॉजी को याद करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं जिसका नाम है द सीक्रेट बुक ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इस बुक में ढेरों निमोनिक्स और ट्रिक्स को ऐड किया गया है जिससे आपको बायोलॉजी को समझने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस बुक के आपको कुछ पेजेस दिखा देते हैं। तो देखिए, इस बुक का पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हर चैप्टर को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया है पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैंथम एंड हुकर, तो यहाँ पे ट्रिक दिया है मोना बंठन बड़ी, तो यहाँ पर मोना से है, मो से मोर्फोलॉजिकल, ना से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैंथम से प्रपोज बाय बैंथम एंड हुकर, एंड बड़ी से लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स, तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद है एंगलर एंड प्रांटल, तो इसके लिए निमोनिक है इंग्लिश की फाइल इवोल्व हुई, तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश फाइल एंड इवोल्व, तो यहाँ पर इंग्लिश से है एंगलर एंड प्रांटल, फाइल से है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एंड इवोल्व से बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। इसी तरह है जूलियन हक्सले, तो यहाँ पे निमोनिक है जूली की न्यू बायो की बुक, तो जूली से है प्रपोज बाय जूलियन हक्सले, न्यू से न्यू सिस्टमेटिक्स, एंड बायो से बायो सिस्टमेटिक्स, यानी कि जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक्स एंड बायो सिस्टमेटिक्स को दिया था। तो इस तरह से आप ये पूरी बुक को समझ सकते हैं। साथ में हर चैप्टर के बाद में इसमें कुछ सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें से नीट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये भी ज़रूर दिख लेना है। तो इस तरह से आप ये बुक देख सकते हैं और इसे आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखना है कि आपको इसमें बायोलॉजी के सारे चैप्टर नहीं मिलेंगे, इसमें आपको बायोलॉजी के कुछ ही चैप्टर मिलेंगे, और बाकी चैप्टर्स के लिए आप इसकी सेकेंड पार्ट बायोलॉजी निमोनिक बुक बाय कर सकते हैं।